राम राम जी। क्या हाल सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियाँ स्वागत है भाई। आज आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए भाई वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी तक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए, ताकि उसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी और जो अन्य भी बड़ी अपडेट हो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों आज कर्मचारियों के लिए दो बड़ी अपडेट आई है भाई। सबसे पहली तो बड़ी अपडेट है भाई कि कर्मचारियों का जो डीए अनाउंस है उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी गई है, और इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है। साथियों तो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस पे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 3% बढ़ा, 49 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनर्स को लाभ दिवाली से पहले 50% से बढ़कर 53% किया, बढ़ा डीए 1 जुलाई से होगा लागू। तो भाई केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की सौगात मिली है। तो बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव पर मोहर लगाई है, और 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर के जो है 53% हो गई है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी, और इसका करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। तो डीए हर 6 महीने में जो है बढ़ता है, और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भर मिलेगा। तो वही ऐसे करें बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुणा डीए परसेंटेज, तो ये डीए अमाउंट बनता है भाई। तो भाई बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी जोड़ने के बाद जो सैलरी आती है उसमें भत्ते की दर से गुणा किया जाता है, जो नतीजा आता है उसे महंगाई भत्ता यानी डीए कहा जाता है। मान लीजिए आपकी सैलरी भाई 10,000 रुपये और ग्रेड पे 1,000 रुपये है, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। और ऐसे में बढ़ने के बाद जो है 53% महंगाई भत्ते के लिए ऐसे देखे तो यह 5,830 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,830 रुपये हुई। तो वहीं 50% डीए के हिसाब से 16,500 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी 3% डीए बढ़ने बाद यह हर माह 330 रुपये का जो है फायदा होगा। ये जो कर्मचारियों को भाई दीपावली से पहले जो है एक बड़ा तोहफा है भाई केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जो कर्मचारियों को तोहफा मिला है भाई। अब जो है दूसरी बड़ी अपडेट के लेकर बात कर लेते हैं भाई, वो आई भाई चंडीगढ़ पीजीआई से। तो वो जो अनुबंध पर लगे हुए कर्मचारी हैं वो भाई हड़ताल पर हैं, तो उनकी हड़ताल को रोकने के लिए जो है ये जो हाई कोर्ट ने जो है बड़ा जो है फैसला सुनाया और बड़ी टिप्पणी जो की है तो आपको बता देते, देख सकते हैं भाई स्क्रीन पर आप। अनुबंध कर्मियों की हड़ताल पर रोक, कामना लौटने वालों पर कार्रवाई करे यूटी व पीजीआई हाई कोर्ट। पीजीआई की याचिका पर अनुबंध कर्मचारी यूनियनों को हाई कोर्ट का नोटिस। तभी पीजीआई चंडीगढ़ के अस्पताल अटेंडेंट व सफाई कर्मियों को हड़ताल से पीजीआई में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था खतरे में पड़ने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हड़ताल पर रोक लगा दी है। तो हाईकोर्ट ने कर्मियों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया है, और इसमें सफल रहने वालों पर कार्रवाई का यूटी प्रशासन व पीजीआई प्रबंधन को आदेश दिया है। तो पीजीआई ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि 16 सितंबर को पीजीआई अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने पीजीआई को नोटिस दिया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के फरवरी 2020 में जारी आदेश के अनुसार अनुबंध कर्मियों को नियमित कर्मियों के समान वेतन दिया जाए, साथ ही इस वेतन का एरियर जारी किया जाए, इसमें उसे कोई कटौती न की जाए। तो नोटिस में कहा गया कि यदि एरियर के साथ यह राशि 10 अक्टूबर तक जारी नहीं की गई तो हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, और हड़ताल शुरू होने के बाद जो पीजीआई के अन्य यूनियन अभी जो इन्हें अपना समर्थन दे दिया और हड़ताल पर चली गई। तो ये जो है कर्मचारी लेकर के भाई दो बड़ी अपडेट थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भाई वीडियो को आप जो है शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आजकल कंजूसी कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर किया करो, ताकि जो है हमारा भी जो हौसला अफजाई हो और हम जो है आपको निरंतर जो है आपकी जो बड़ी अपडेट हैं, चाहे कर्मचारी से जुड़ी चाहे सरकारी नौकरी भर्ती है जुड़ी, अन्य बड़ी अपडेट हम वो लगातार देते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।